हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यावर्त ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया। लेट अस वी टॉक अबाउट अप्रैल 2021 रिलेटेड करंट अफेयर्स। सो गाइस, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एमबीबीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे, सीजीएल, सीजे, एसएससीजीएल एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। सो गाइज, लेट अस वी टॉक अबाउट 25th of April 2021 रिलेटेड करेंट अफेयर्स। सो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य ने COVID-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू की है? विच स्टेट स्टार्टेड COVID-19 योद्धा कल्याण योजना? सो आंसर इज मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है COVID-19 योद्धा कल्याण योजना जो है शुरू की है। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट मध्य प्रदेश इज भोपाल एंड सीएम ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इज मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू इज, विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड लेबोरेटरी एनिमल डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24th of April। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड वीक फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज वीक सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 22-26th of April 2021। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 20 से 26 अप्रैल 2021 तक जो है वर्ल्ड वीक मनाया जाएगा फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर इज, किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वॉन नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? सो आंसर इज रुमाना सिन्हा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, रुमाना सिन्हा वॉन दी नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, HDFC बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक? सो आंसर इज अंतनु चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि अंतनु चक्रवर्ती अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, किस देश का प्रमुख लिम चौक उई आसियान बैठक की भाग लेंगे? सो द हेड ऑफ विच कंट्री विल अटेंड द मीटिंग ऑफ एशियन लिम चाक यूई? सो आंसर इज म्यांमार। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, लिम चाक यूई जो है ये मीटिंग अटेंड करेंगे एशियन की, जो कि म्यांमार के हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज, किस देश के नेशनल पार्क टेबल माउंटेन की भीषण आग लगी है? विच कंट्रीज नेशनल पार्क टेबल माउंटेन कॉट फायर? सो आंसर इज साउथ अफ्रीका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नेशनल पार्क टेबल माउंटेन जो है साउथ अफ्रीका, इसमें जो है आग लग चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट इज, किल्स में आयोजित यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल्स वॉन इन इंडिया एट द यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स हेल्ड इन कैल्स? सो आंसर इज 11। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 11 पदक कुल जीते हैं किल्स में आयोजित हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। सो 11 में से 8 जो है स्वर्ण पदक है और 3 जो है ब्रॉन्ज मेडल है, 8 golds and 3 bronze medals। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक जीते हैं भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, किस देश में धर्म आधारित यात्रा प्रतिबंध नो बैन एक्ट पारित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच कंट्री पास द रिलीजन बेस्ड ट्रैवल बैन नो बैन एक्ट? सो आंसर इज अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24th of April। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नेशनल पंचायती राज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 24th of April। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इज, अमित मिस्त्री का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? अमित मिस्त्री हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस एक्टर, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, अमित मिस्त्री अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, लास्ट पुस्तक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल? सो आंसर इज आकाश रानीसन। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, आकाश रानीसन इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च्ड बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 इज, किस शहर को वर्ष 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? सो विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर द ईयर 2021? सो आंसर इज तिबिलिस। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, तिबिलिसी जो है ये एक सिटी है, शहर है, जिसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 के लिए जो है घोषित किया गया है, विश्व पुस्तक राजधानी तिबिलिसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 इज, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक राजधानी मेले का आयोजन कब किया गया था? व्हेन वाज द वर्ल्ड बुक राजस्थानी फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? सो आंसर इज 6 to 9 अप्रैल। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म WCCF और वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म? सो आंसर इज न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, भारत की राजधानी नई दिल्ली ने जो है भारत का प्रतिनिधित्व WCCF में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म की थीम क्या रखी गई थी? सो व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म? सो आंसर इज फ्यूचर ऑफ कल्चर, संस्कृति का भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज, किस बैंक ने अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को अपना डिजिटल सलाहकार नियुक्त किया है? विच बैंक अपॉइंटेड अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एज इट्स डिजिटल एडवाइजर? सो आंसर इज इंडियन ओवरसीज बैंक। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, इंडियन ओवरसीज बैंक को जो है अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड ने अपना डिजिटल एडवाइजर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 इज, श्रवण राठौर जी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? श्रवण राठौर हैज डाइड, व्हाट वाज ही वाज फेमस? सो ही वाज फेमस म्यूजिशियन, वह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, श्रवण राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 इज, शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस वॉज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24th of April। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस के साथ साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेशनल मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस दिवस भी मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज, विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? सो व्हेन वाज वर्ल्ड वेटरनरी डे वाज सेलिब्रेटेड? सो आंसर इज 24th of April। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि हर वर्ष अप्रैल के चौथे शनिवार को जो है वर्ल्ड वेटरनरी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 इज, किसे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक चुना गया था? सो हु वाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट? सो आंसर इज पुरुषोत्तम शर्मा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के हेड जो है पुरुषोत्तम शर्मा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज, भारतीय नौसेना को किस नाम से नया हेलीकॉप्टर एयर स्क्वाड्रन भेज दिया गया है? बाय व्हाट नेम वाज द न्यू हेलीकॉप्टर एयर स्क्वाड्रन सोल्ड टू द इंडियन नेवी? सो आंसर इज ध्रुव MK3। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ध्रुव MK3 जो है ये एक नया हेलीकॉप्टर है, एयर स्क्वाड्रन के नाम से भी इसे पहले जाना जाता था, जो कि अब इंडियन नेवी में आने के बाद में ध्रुव MK3 नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 इज, किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित की है? विच स्पेस एजेंसी डेवलप्ड अ ब्रीदेबल ऑक्सीजन डिवाइसेस ऑन मार्स? सो आंसर इज नासा। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नासा ने फिर से एक बहुत अच्छी खोज की है कि इन्होंने एक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन डिवाइस विकसित किया है जो कि मंगल ग्रह पर मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज, किस राज्य ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है? विच स्टेट डिसाइडेड टू क्लोज ऑल गवर्नमेंट ऑफिसेस? सो आंसर इज उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, उत्तराखंड राज्य ने सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है ड्यू टू COVID-19। एंड कैपिटल ऑफ स्टेट उत्तराखंड इज देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 इज अबाउट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर वॉज द लार्जेस्ट कोविड केयर सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश इस्टेब्लिश्ड?
सो आंसर इज इंदौर. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इंदौर में, जो कि सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खोला गया है मध्य प्रदेश का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज, किस अमेरिकी कंपनी को भारत को नॉन फॉर प्रॉफिट दर पर वैक्सीन देने की घोषणा की है. विच अमेरिकन कंपनी अनाउंस टू गिव वैक्सीन टू इंडिया एट नॉन फॉर प्रॉफिट रेट. सो आंसर इज मॉडर्ना. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि मॉडर्ना अमेरिकन कंपनी ने जो है भारत को वैक्सीन देने का फैसला किया है नॉन फॉर प्रॉफिट रेट के दर पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 इज, भारत सरकार ने किस देश से 23 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट करने की घोषणा की है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू एयरलिफ्ट 23 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स फ्रॉम विच कंट्री. सो आंसर इज जर्मनी. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है जर्मनी से जो है इंडिया 23 ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट्स जो है लेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज, SBI रिसर्च के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत होगी. सो अकॉर्डिंग टू द SBI, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP विल बी इन द ईयर 2021 टू 22. सो आंसर इज 10.4%. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 10.4%. GDP का फुल फॉर्म भी याद रखना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 25th ऑफ अप्रैल. सो इंडरा ने वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. सो इंडरा एस्टिमेटेड द परसेंटेज ऑफ इंडियाज GDP इन द ईयर 2021 टू 22. सो आंसर इज 10.1%. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि भारत की GDP जितने भी कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस ने जो कि एस्टिमेट बताया है, अनुमान लगाया है, वो 10 से 11 के बीच में ही लगाया है. सो अगर ऑप्शन आए 10 तो आप मोर अप्रोप्रिएटली 10 लगाए, और 11 हो तो साथ में आप 11 और बोथ हो तो बोथ लगा सकते हैं. सो गाइज, नाउ लेट अस वी टॉक अबाउट 26th of April 2021 रिलेटेड करेंट अफेयर्स. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ष 2021 में भारत में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. इन द ईयर 2021 What percentage of decrease in malaria cases in India was recorded? So answer is 84%. Important है, हमें याद रखना है कि भारत में मलेरिया के जो मामले हैं वर्ष 2021 में 84% जो है कम आए हैं. Next question, question number 2 is about DRDO. DRDO ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित किया है. In which city DRDO established COVID hospital? So answer is Ahmedabad. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि गुजरात के अहमदाबाद में DRDO ने COVID-19 हॉस्पिटल जो है खोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, किस देश ने 3 महीने में आपातकाल की घोषणा की है. विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ 3 months इमरजेंसी. सो आंसर इज जापान. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट जापान इज टोक्यो. कैपिटल ऑफ कंट्री जापान इज टोक्यो, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज, DCGI ने किस कंपनी की विराफिन दवा को COVID-19 में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है. DCGI अप्रूव द विराफिन ड्रग ऑफ विच कंपनी फॉर इमरजेंसी यूज इन COVID-19. सो आंसर इज जाइडस कैडिला. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है जाइडस कैडिला ये कंपनी का नाम है जिसने विराफिन ड्रग बनाई थी, और DCGI ने इसे इमरजेंसी यूज़ के लिए जो है अप्रूव कर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th इज, WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ट्रैक्रोमा मुक्त होने के लिए जो है दूसरा अफ्रीकी देश कौन सा बना है. विच बिकेम द सेकेंड अफ्रीकन कंट्री टू बिकेम ट्रैक्रोमा फ्री बाय WHO. सो आंसर इज गैम्बिया. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि गैम्बिया जो है ये दूसरी नंबर पर अफ्रीकन कंट्री है जो ट्रैकोमा फ्री हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इज, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब मनाया गया. व्हेन वर्ल्ड इम्यूनिटी वीक सेलिब्रेटेड. सो आंसर इज 24th April to 30th of April. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है 24 से 30 अप्रैल विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, टेस्ला इंडिया ने किसे अपना मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज अपॉइंटेड टेस्ला इंडिया एज इट्स HR हेड.
सो आंसर इज चित्रा थॉमस. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. चित्रा थॉमस अपॉइंटेड एज द टेस्ला इंडिया हेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज, केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को एयरलिफ्ट किया है. फ्रॉम विच कंट्री डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट एयरलिफ्ट मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लान. सो आंसर इज जर्मनी. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि जर्मनी से एयरलिफ्ट करेगा मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट को इंडिया, जो कि 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट को एयरलिफ्ट कराएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज, किस देश ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं. विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड 3 कोविड केयर सेंटर्स. सो आंसर इज असम. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि असम राज्य ने 3 कोविड देखभाल केंद्र जो है स्थापित किए हैं. एंड कैपिटल ऑफ स्टेट असम इज दिसपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे. किस देश की लॉजेन अल हथलॉल ने शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे. विच कंट्रीज लॉजेन अल हथलॉल वॉज अवार्डेड द टॉप यूरोपियन राइट अवार्ड. सो आंसर इज सऊदी अरेबिया. इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि सऊदी अरेबिया की लॉजेन अल हथलॉल को यूरोपीय देश का राइट्स अवार्ड और यूरोपीय अधिकार पुरस्कार, जो कि शीर्ष यूरोपीय अधिकार पुरस्कार है, इससे सम्मानित किया गया है लॉजेन अल हथलॉल. सो गाइज, आई होप आपको 25th और 26th ऑफ अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो बारी बारी से हमने डिस्कस करे हैं, तो सारे समझ में आए होंगे. सो आप जो है इन्हें लिखिए, पढ़िए और याद करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स में जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ. आई होप गाइज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ. और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं. सो अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9424570979. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. योर सपोर्ट इज अवर पावर. फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.